चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ डाउट्स भी ले लूंगी, आप लोग डाउट्स पूछना चाहते हो तो अभी ये टॉपिक के बाद डाउट्स पूछ सकते हो। वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब एक सॉल्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जैसे कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, तो जब एक सॉल्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है एंड उसको जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं, वी डिजोल्व दैट सॉल्ट in minimum amount of water. So what happens? Some of the water molecules just only get attached with them as the water of crystallization. Copper sulfate खुद में एक stable salt है, लेकिन और ये white color का होता है, powder होता है। जब मैंने इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा, व्हाट हैपेंस इज विद कॉपर सल्फेट, फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल अटैच टू फॉर्म CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, एंड डू यू नो व्हाट, it has blue color and these are proper needle shaped, blue colored needle shaped crystals, ke proper blue color ke needle shaped crystals hote hain, iske copper sulfate pentahydrate ke proper needle shaped crystals hain. Please keep your cell phone mute to this. बेटा जब आप क्लास ज्वाइन करते हो मेक श्योर कनेक्ट कर लो। तनिष कितनी बार मुझे तुम्हारे को बताना पड़ता है कि तुम म्यूट पे कर लो, म्यूट पे कर लो, तुम्हें नहीं पता तुम क्लास अटेंड कर रहे हो। नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट, ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो क्या होता है, कई बारी कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं, स्टेबल भी होते हैं, पाउडर की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये व्हाइट कलर का पाउडर, अगर मैं उसको मॉइस्चर में भी रख देती हूँ ना थोड़ी देर, तो जैसे मतलब मान लो कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है उस दिन पड़ा रहा, तो कॉपर सल्फेट एयर में भी पड़ा पड़ा कुछ दिन में एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड फ्रॉम दैट मॉइस्चर व्हाट इट फॉर्म्स इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉपर सल्फेट एब्जॉर्ब्स फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, and these five molecules of water are absorbed on the copper sulfate and it forms copper sulfate pentahydrate. इसको बोलते हैं water of crystallization. Tisha already एक compound बना हुआ था, उसको जब हमने minimum amount of water में डाला तो क्या होता है, उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एज इट इज अटैच हो जाते हैं, रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहे, ऑलरेडी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, बट इसमें हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं है, बट अभी क्या हो गया, इसमें फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हो गए टू गिव इट अ प्रॉपर शेप एंड प्रॉपर कलर। हाँ H2O हर कंपाउंड में फिक्स होता है, किसी में 7H2O आते हैं, किसी में 5H2O आते हैं, तो ये बन गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, जब इसमें वाटर नहीं है तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट,
जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर नहीं है या जिसमें से वाटर रिमूव कर लिया गया है. सिमिलरली फेरस सल्फेट जो है ये भी वाइट कलर का पाउडर होता है. जब हम इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं तो ये स्पेसिफिकली 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिकली 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड व्हाट इट फॉर्म्स इज FPSO4.7H2O. फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म कर लेता है. फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट एंड यू नो दीज आर ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स. इसके ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. तो दिस इज हाइड्रेटेड, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. जब सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो हाइड्रेटेड बन गया वो सॉल्ट. और अभी क्या था, एनहाइड्रस सॉल्ट. तो जब किसी सॉल्ट पर किसी कंपाउंड पर मिनिमम वाटर, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करने पर उसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एज इट इज अटैच हो जाते हैं टू गिव इट अ प्रॉपर शेप एंड अ प्रॉपर कलर. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड दिस काइंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, नोट करो. ये आपका आज है मंडे, वेंसडे को टेस्ट है. क्लास टाइमिंग्स पे आपका टेस्ट है वेंसडे को, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का. वो टेस्ट आपका पूरा ओरली भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हाफ टाइम आपका ओरल टेस्ट हो और हाफ टाइम आपका रिटन टेस्ट हो. पूरा ओरल टेस्ट भी हो सकता है या हाफ टाइम ओरल हाफ टाइम रिटन भी हो सकता है. वेंसडे को आपको रिटन टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना है. वेंसडे को आपका रिटन टेस्ट भी है चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का. यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर वेल. मैंने 2 होमवर्क असाइनमेंट शेयर करे हैं, उसकी भी डेट मैंने वेंसडे तक रखी है ताकि आप वेंसडे तक आराम से चैप्टर प्रिपेयर कर लो, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो. ये फुल चैप्टर नोट करो. ये तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स. नहीं तनिषा प्लीज, जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सॉल्ट के साथ एज इट इज अटैच हो जाते हैं टू गिव देम प्रॉपर शेप एंड कलर, उसको बोलते हैं हम कोई नहीं आरजू, क्लास टेस्ट ही है. अभी आप प्रिपेयर करो अच्छे से. मुझे नहीं लगता इतने कोई खास डाउट्स निकलेंगे. निकलेंगे तो चाहे मैं ओरल सेशन में डिस्कस करूं. आई विल रैप दिस. नोट करो ये अच्छे से. सब कर लिया? प्रगुन आई टोल्ड कि अभी वेंसडे को आपका टेस्ट है. वेंसडे क्लास टाइमिंग्स पे आपका टेस्ट है चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का. स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं, आप ये कह सकते हो कि जितना मैंने अब तक पढ़ाया है बोर्ड पर प्लस उसके अलावा जो मैंने जैसे असाइनमेंट क्वेश्चंस शेयर करे वो, उसमें प्रिपेयर कर. ठीक है, done this. ऐसे ही आपने देखा था कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो रहा है टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट
हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट दैट इज पीओपी। तो इसमें भी तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब कई बार ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स एक्स व्हेन हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब टर्न्स वाइट बट व्हेन दिस वाइट कंपाउंड इज placed in air for few days, it again becomes blue. Identify the blue. Identify the blue and the white colored compound form. Blue colored and white colored compound जो form हुआ है वो बताना है and identify the phenomenon involved. Name the गैस लिख लो, गिव द रीजन ऑफ चेंज ऑफ कलर। तो देखो ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स थे, हीट करा, वाटर इवापोरेट हो गया, वाइट हो गए, फिर एयर में रखा थोड़े दिन में, फिर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ब्लू हो गए। तो ये किसकी बात कर रहा है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है ना। ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स किसके होंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे। एक्स हीट करा, इवापोरेशन हुआ, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेट्स इवापोरेटेड ऑन हीटिंग, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेट्स इवापोरेटेड, देयरफॉर इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आ गया जिसका कलर क्या है, व्हाइट। ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट फॉर्म्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज ऑफ व्हाइट कलर, और जब मॉइस्चर में रखा अगेन व्हेन इट इज केप्ट इन मॉइस्चर या एयर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एयर में रखा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वापस क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड। ये किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट के लिए होता है, हीट करो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है,
एयर में रखो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वापस वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एड हो जाता है. एम आई क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन है, ये पूरा उसका आंसर है. ठीक है, समझ में आया सबको? से यस और नो गाइस, इज इट क्लियर? मैम मुझे एक बात पूछनी है. हाँ बोलो. मैम जब आपने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मैम हीट करा, मैम जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैम वाटर है, मैम वाटर के फाइव मैम है. यस फाइव मोल्स, यही पूछ रहे थे दीक्षा? यस मैम. हाँ बेटा फाइव. ओके अंश, ठीक है ठीक है अंश, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का. ठीक है अंश, ओके. प्रगुण, आरजू, आप नोट कर रहे हो सारा साथ साथ? कभी ऐसे स्लो नेटवर्क दिखता है ना, अगर आपको ऐप में कभी ऐसे स्लो नेटवर्क दिखता है तो ऐप को पूरा क्लोज कर दिया करो. पूरा क्लोज मतलब बैक मत करो, सिर्फ जैसे अपनी सारी रनिंग एप्स को क्लोज नहीं करते क्रॉस करके, सारी अपनी रनिंग एप्स को क्लोज करके फिर ऐप को दोबारा ओपन करा करो, फिर हो जाएगी सारी. क्लास में अगर कई बार ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ ऐसा लिखाता है नेटवर्क इश्यू एंड ऑल, तो आपको बैक करो, लेकिन फिर आपको जैसे जितनी आपके जो फोन की रनिंग एप्स होती हैं उनको क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करो और फिर रीओपन. ठीक है ना? यस जय. ठीक है प्रगुण, मैं भी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. आप लोगों को मैंने तीन बार बता दिया, संडे नहीं वेंसडे को, कमिंग वेंसडे को ही टेस्ट है चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का. नहीं अगर संडे वेंसडे होगा तो फिर संडे नहीं होगा ना बेटा. फिर नहीं आरजू, मैं बस यही पूछ रही थी कि आप नोट कर रहे हो ना साथ साथ सारी चीजें, एक बार मेरे को सेंड कर दे. आई विल रैप दिस. केशा, सान्या, अब समझ में आया? अंश, क्लियर है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक? सिंपल सा टॉपिक है कि किसी सॉल्ट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डालते हैं तो वो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड सॉल्ट. ठीक है ना? यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है ये, विच गिव डिफरेंट कलर्स फॉर ईच पीएच वैल्यू, फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज. हर एक पीएच वैल्यू के लिए ये अलग अलग कलर देता है. फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज इट गिव्स डिफरेंट कलर. ठीक है ना? तो हमारी ना ऐसे स्ट्रिप्स आती है, एक छोटी सी नोटबुक नहीं, जैसे एक स्ट्रिप वाली बुक होती है, कैसे छोटी सी स्ट्रिप वाली होती है, और उसमें से हम एक एक स्ट्रिप काटते जाते हैं. एक स्ट्रिप मैंने निकाली, इतनी बड़ी स्ट्रिप होती है, वो पीच से कलर की होती है. उसको मैंने जिस भी सोल्यूशन में डिप करा, पिंक, लाइट पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, जो भी कलर आया. ठीक है? अब ये जो नोटबुक है ना, जैसे ऐसी नोटबुक क्या बोलू, मतलब मैं कैसे बोलू, बहुत सारी शीट्स को ही ना पिनअप किया होता है. ऐसी ऐसी चार पांच सात आठ शीट्स होती हैं, अगर आपने पीएच पेपर वाली वो देखी हो, आपकी केमिस्ट्री लैब में होगी, ऐसी बहुत सारी पीएच शीट्स होती हैं और उनको स्टेपल किया होता है, और उसके एंड में एक शीट ऐसी होती है जिस पर हर पीएच वैल्यू के लिए ना एक कलर शो रहा हो. पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. इसमें
हर पीएच वैल्यू के लिए कलर शो हो रहा होता है कि कब ग्रीन कलर आएगा, कब ब्लू आएगा, कब लाइट पिंक आएगा, कब कैसा कलर आएगा। हाँ पीएच स्ट्रिप्स की तो बात करी बस। हाँ जैसे लिटमस स्ट्रिप होती है, बस लिटमस स्ट्रिप्स तो रेड या ब्लू होती है ना, पीएच स्ट्रिप्स पिंक, पीएच स्ट्रिप्स पीच से कलर की होती है, ऑरेंज से कलर की होती है। उसकी भी ऐसी बुक्स ही आती है जिसमें से हम एक 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 स्ट्रिप निकालते जाते हैं, ठीक है ना। और अब जैसे मान लो हमारे पीएच पेपर का कलर आया ब्लू, ये पीएच पेपर का कलर आया ब्लू, तो हमने मैच करा कि ब्लू 14 से मैच कर रहा है तो पीएच हो गई 14। मान लो पीएच पेपर का कलर आया ग्रीन, तो हमने मैच करा कि कहाँ पर आ रहा है ग्रीन, 7 पर आ रहा है। तो उसमें अभी मेरे पास ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज पिंक कलर नहीं है, ऑरेंज में भी लाइट ऑरेंज डार्क रेड लाइट रेड इस तरीके से अलग अलग कलर। तो जो भी हमारी पीएच स्ट्रिप पे कलर आ रहा होता है ना, हम इसमें से मैच करते कि किस कलर से मैच कर रहा है। जिस कलर से मैच कर रहा है सपोज, तो वो हमारे सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, पीएच हो जाती है। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अलग अलग पीएच वैल्यूज के लिए वो अलग अलग कलर शो करता है, जिससे हमारे को पता चल जाता है कि हमारे को जो सॉल्यूशन मिला था उसकी पीएच कितनी थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है ना, ये दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे। अब आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 12, हम जो चैप्टर्स अब तक कर चुके हैं उनमें से कहीं से भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप वो चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कितने रेज योर हैंड, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी साइंस का एग्जाम होना है और उसमें अभी ये सब चैप्टर्स आने हैं, रेज योर हैंड और मैसेज भी ऑन द चैट बॉक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी साइंस का एग्जाम होना है उसमें चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 6 या चैप्टर 12 आ रहा है अभी रिसेंट, जिनका हो गया वो मत बोलो, जिनका आ रहा है अभी आना है वो बोलो। रशिका का एक और कौन, बस बाकी सबका हो गया पेपर। आदित्य टुटेजा, नितिन, आदित्य टुटेजा हो गया, और कौन है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका अभी रिसेंटली साइंस का एग्जाम होना है? प्रगुन आपका हो गया? Yes. कैसा हुआ? अच्छा हुआ। गौतम, प्रथम आपका हो गया? मैम यस मैम, आज मैम नेट की प्रॉब्लम है मैम। हाँ मैंने बोल दिया बेटा। ओके मैम, तो ठीक है, आप लोग चैप्टर 1, दीक्षांत मैंने आपको बोला था ना अलग से मैसेज कर दिया करो, मुझे याद तब दिलाते नहीं आप चैप्टर 5 के डाउट्स के लिए। ठीक है, अब आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 12 के डाउट्स पूछ सकते हो कहीं से भी, कोई भी आपका स्कूल का कोई असाइनमेंट हुआ हो, कुछ भी हो। निश्चय, आर यू इन द क्लास? Mr. is not in the class. पूछो डाउट, पूछो बस। नहीं है तो फिर मैं आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊं। मैम मुझे एक चैप्टर 5 में मैम एक छोटा सा डाउट है। बोलो मैम। हमें मुझे ये बार और पूछना मैम कि हम मेटल नॉन मेटल और मेटल और मैम कैसे पहचानते हैं मैम कि कौन सा मेटल नॉन मेटल है मैम बिना पीरियोडिक टेबल को देखे। कौन सा मेटल है या नॉन मेटल है बिना पीरियोडिक टेबल को देखे? yes, तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का तरीका होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से कि डक्टाइल मेलिएबल या उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, 4, 5, 6, 7 होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके ठीक है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? देख आपने
एक ये कलरलेस सॉल्यूशन लिया, आपने ये कलरलेस सॉल्यूशन लिया, आपने दो कलरलेस सॉल्यूशंस ए एंड बी इनको मिक्स कर दिया, ये दो कलरलेस सॉल्यूशंस ए एंड बी को मिक्स करा। आफ्टर मिक्सिंग दो प्रोडक्ट्स बने, उसमें से एक प्रोडक्ट सॉलिड था, सॉलिड प्रोडक्ट नीचे सेटल डाउन हो गया। क्यों सेटल डाउन हो गया? मान लो ये प्रोडक्ट सी था, क्योंकि ये डी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि ये डी में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता। दो प्रोडक्ट्स बने, ए प्लस बी कलरलेस सॉल्यूशंस थे, इनको मिक्स करके दो प्रोडक्ट्स बने सी एंड डी, जिसमें से डी तो सॉल्यूशन की फॉर्म में था लेकिन सी सॉलिड था, ऐसा सॉलिड जो डी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए नीचे सेटल डाउन हो गया। ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट हमेशा, एक पहली बात तो वो प्रोडक्ट में बनना चाहिए, दूसरी बात वो सॉलिड होना चाहिए, तीसरी बात वो दूसरे वाले प्रोडक्ट में इनसॉल्यूबल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटे। अ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन विच इज इनसॉल्यूबल इन द अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटे। जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसको हमने मिक्स करा Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ, बना लेड आयोडाइड सॉलिड, ये येलो कलर का है, साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। अब लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट में डिसॉल्व नहीं होता था इसलिए नीचे सेटल डाउन हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? प्रेसिपिटेट। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मैंने लिया, उसमें मैंने से सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, मिक्स करा, मुझे मिला बेरियम सल्फेट सॉलिड जो कि नीचे सेटल डाउन हो गया, वाइट कलर का सॉलिड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के साथ एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का सॉलिड बना है जो उसमें नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो ऐसा सॉलिड सेटल डाउन हो रहा है, डिजोल्व नहीं हो रहा, ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट में इनसॉल्यूबल होता है इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट, यहाँ पर लेड आयोडाइड, ये क्या है? प्रेसिपिटेट। समझ में आया सान्या? अंश, आपने अभी तक हैंड रेस क्यों किया हुआ है? आपने कुछ पूछना है? आजू मैं कहीं से भी डाउट ले रही हूँ, आप किसी भी चैप्टर में से पूछ सकते हो डाउट, जो चैप्टर अब तक हमने कर लिए हैं उसमें से किसी से भी पूछ सकते हो डाउट। तो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन विच इज इनसॉल्यूबल इन द अदर लिक्विड प्रोडक्ट। मैं साथ साथ फोटोग्राफ्स ग्रुप पर ही शेयर कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना? थर्माइट रिएक्शन अभी नहीं करनी, यूज ऑफ टिन प्लेटिंग। देखो टिन प्लेटिंग क्यों की जाती है? दिस इज डन, बेटा डाउट्स पूछो, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डाउट्स पूछने में ही मत रह जाओ। आपको भी पता है एक घंटे का लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में मैं सबके 20-20 डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, है ना? तो पहले जितने डाउट्स, अभी मेरे पास इनफ डाउट्स आ गए हैं आई थिंक, जो आज के लिए ना, पहले जितने डाउट्स आ गए हैं उनको सुनो। आपको पता है मैं हर थोड़े दिन बाद इस तरह से डाउट्स लेती रहती हूँ, सो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप अलग से भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपका फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, बट माई पर्पज इज
जस्ट डोंट रश टू जस्ट सेंड द डाउट मैम मेरा डाउट मैम मेरा डाउट मैम मेरा डाउट, और ऐसे करते करते पता चले किसी का भी डाउट पूरा ना हो पाए और जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी मैं भी कंसंट्रेशन से ना करा पाऊँ और आप कंसंट्रेशन से सुन ना पाओ, क्योंकि आपका सारा ध्यान भेजने में है और मेरा सारा ध्यान है कि बस नोट्स डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स आ रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम तक इनफ डाउट्स आ चुके हैं, जब ये डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं दोबारा आप लोगों को बोल दूंगी डाउट सेंड करने के लिए, क्योंकि वैसे भी अगर इतने पीछे चले जाते हैं डाउट्स चैट बॉक्स में तो वैसे भी ध्यान नहीं जा पाता। तो अभी मेरे पास इनफ डाउट्स हैं, जस्ट सिट प्रॉपरली एंड लिसन टू मी केयरफुली ईच एंड एवरी डाउट, चाहे वो डाउट किसी का भी हो, वो आपके ही सिलेबस का क्वेश्चन है, वो आपका भी डाउट हो सकता है ना। हाँ नोट तो करना चाहिए बिल्कुल, वैसे मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी भेज लूं। दिस इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है आयरन आर्टिकल है, हम चाहते हैं कि उसकी रस्टिंग ना हो, वो खराब ना हो, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर टिन की प्लेटिंग, टिन जो है यू नो टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टिन आयरन से लेस रिएक्टिव है, देयरफॉर डज नॉट कोरोड इजिली, वो इतना इजिली कोरोड नहीं होता। तो अगर हम आयरन के ऊपर टिन की एक लेयर लगाते हैं, वो लेयर कैसे लगाते हैं, अ लेयर ऑफ टिन इज अप्लाइड ओवर आयरन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से प्लेटिंग करना, प्लेटिंग करना मतलब एक लेयर लगाना। तो इसमें कुछ इस तरीके से किया जाता है, जैसे जो हमारे को जिस पर लेयर लगानी है, मान लो आयरन का जो भी पीस है जिस पर हमारे को लेयर लगानी है, ठीक है, वो हम इस तरीके से एनोड बना देंगे, उसको एनोड, ये एनोड बना देंगे, और टिन जहां से बनानी है उसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो धीरे धीरे इसके ऊपर एक टिन की लेयर आ जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, चाहे हम टिन का ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, आयरन की रॉड को हम एनोड बना देते हैं, और उसके ऊपर आयरन की रॉड के ऊपर टिन जाते जाते डिपॉजिट होता जाता है, यहाँ से टिन जो है इसके ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट होता जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं, हमने क्या करा, आयरन के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर लगाई। अब आयरन के ऊपर टिन कहाँ से आता है, टिन का सोल्यूशन हमने लिया ना, टिन सोल्यूशन हमने लिया, टिन सल्फेट या कोई भी टिन का स्टेनस क्लोराइड होता है वो सोल्यूशन हम ले सकते हैं, ठीक है ना, फिर उसका ही तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो जिसकी हेल्प से आयरन के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर आ। अब हमारा पर्पस तो यही था, हमने पढ़ा था हम आयरन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, अगर हम आयरन को एयर के या वाटर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आने दें तो आयरन रस्टिंग से बच जाएगा। तो जब हमने आयरन के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल यानी टिन की लेयर लगा दी तो आयरन एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, जब आयरन एयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो खराब भी नहीं होगा, रस्टिंग भी नहीं होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं टिन प्लेट। क्लियर तनीषा, समझ में आ गया, बाकी सबको भी क्लियर है अच्छे से। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आपका सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स पूरा प्रोसेस आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। वैसे जो भी इलेक्ट्रोलिसिस का जो भी प्रोसेस होगा आगे जो सिलेबस में है वो मैं करवाऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, इवन फ्लोर एल्कली प्रोसेस भी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया था, वो था नहीं सिलेबस। हाँ क्लास 5:30 तक है। एक्वस मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं
उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means when the respiration takes place in presence of oxygen. It takes place in presence of oxygen. Aerobic respiration प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई अगर मिल रही है तब अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन है ही नहीं या कम अमाउंट में अवेलेबल है, लिमिटेड ऑक्सीजन है या है ही नहीं, तब जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, किसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्लास, ग्लूकोज, जिस पर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होनी है ना, जिस पर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होनी है ग्लूकोज, उसको बोला जाएगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मैं ओवरऑल प्रोसेस बता रही हूँ, मैं ये पाइरूवेट के बाद वाला नहीं बता रही, एक जनरल पूरा कंप्लीट प्रोसेस के टर्म्स में हम बात करें, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज पार्शली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें पार्शली ऑक्सीडाइज ही हो पाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी ज्यादा होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में less amount of energy is released, ठीक है। Aerobic respiration कहाँ पर होती है, जो last का part है वो mitochondria में होता है ना, it takes place in mitochondria of the cell, ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स और यीस्ट, या तो मसल सेल में होता है या यीस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दशिका इज इट क्लियर, बट हाँ मैं डाउट सबके लेने को तैयार हूँ, एक चीज का ध्यान रखना कि मैं बहुत स्लो डाउट्स बता रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। कोशिश आप लोगों की ये जरूर होनी चाहिए कि एक बार जो डाउट पूछा आपने वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि आप लोग ध्यान से नहीं सुनते या आप अपने पिछली चीजों को रिवाइज नहीं करते, ठीक है ना। डाउट्स लेने में कोई मना नहीं है लेकिन प्लीज रिपीटिशन नहीं होना चाहिए डाउट्स, ओके। टुगेदर विद दिस नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है थोड़े टाइम बाद ले लेना, या अभी तो मैं इतने नोट्स भेज रही हूँ, इतने असाइनमेंट्स भेज रही हूँ तनीषा ईशा, दे आर मोर देन इनफ आई थिंक। ये आरजू कौन सी डेट वाला होमवर्क का पूछ रहे हो आप डाउट,
25 जून वाला पूछ रहे हो आप, जो 1 to 40 क्वेश्चंस दिए थे? जो मैंने 25 जून वाले में 40 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 13, 16 क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम टू इंडिकेटर्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन मिथाइल ऑरेंज टू इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. तो लैब में जो ज्यादातर इंडिकेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलीन, क्योंकि वो केमिकल्स है ना. वैसे तो लिटमस पेपर भी होता है, बट वो केमिकल्स पूछ रहे हैं तो केमिकल्स में यूज होते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलीन. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज कॉमन सॉल्ट कंटेन अ सब्सटेंस विच इज हाइग्रोस्कोपिक, नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला. कॉमन सॉल्ट में भाई जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते. जो सोडियम क्लोराइड होता है ना बेटा, सोडियम क्लोराइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है ना. लेकिन रुको, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है. जैसा सेकंड, ये क्रूड कॉमन सॉल्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 इज कॉमन सॉल्ट कंटेन्स सब्सटेंस व्हिच इज हाइग्रोस्कोपिक. देखो यहाँ पर एक और वर्ड होना चाहिए, क्रूड कॉमन सॉल्ट. जैसे रॉक सॉल्ट वगैरह नहीं कहते, जो क्रूड कॉमन सॉल्ट रॉक सॉल्ट होता है ना, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है. उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह भी होते हैं. तो उसमें जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर उसमें जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. तो यहाँ पर वो क्रूड कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा है. और जो क्रूड कॉमन सॉल्ट होता है उसमें से जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 16, what is common to all the bases that they dissociate in water to give OH minus ions. आप ऐसे भी लिख सकते हो, they are metal hydroxides. सारे bases mostly क्या होते हैं, metal hydroxides होते हैं. ठीक है, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, that they dissociate in water to give OH minus ions. Question number 21. Name a sodium compound that loses its water of crystallization on exposure to air. Washing soda हो सकता है, लेकिन on exposure to air. मैम sodium carbonate होगा. हाँ वही वॉशिंग सोडा ही हो गया ना, सोडियम कार्बोनेट. वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O. ये कभी कभी एयर में पड़ा पड़ा ही अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट कर देता है. तो Na2CO3.10H2O अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके बन जाता है ओनली सोडियम कार्बोनेट. ठीक है.
हिमानी, ये इनमें से डाउट्स कौन सा है? आपने तो पूरा पूरा गिफ्ट फोटोज भेजी हैं, इसमें से डाउट्स कौन से हैं? हिमानी आपने ये जो तीन इमेजेस भेजी हैं, इसमें से डाउट कौन सा है? I will rub this. जब तक हिमानी अभी और डाउट बता रही है, तब तक मैं आज आदित्य के भी असाइनमेंट के डाउट्स ले लेती हूँ. अभी आज तो मैंने आपके तीन चार क्वेश्चंस दिए हैं, सबके थोड़े थोड़े डाउट हो जाए फिर बाकी के लेंगे. अब अंश आदित्य ने भी भेजे हैं, वो भी ले रही. हाँ एक साथ नहीं, सबके सबके लूंगी ना बेटा, थोड़े थोड़े 26, 25, 31, 32. कवर सबके ही हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली रहेगी. तीशा का है 19 and 20, वो तो सबके ही जाने हैं, कॉमन ही होने हैं डाउट को, लेकिन बस ये कि सबको तसल्ली हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 19, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. भाई सोडियम कार्बोनेट हाइड्रो, हाँ ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है जो 1 to 40 क्वेश्चंस दिए थे. सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2. तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्वेश्चन नंबर 22, अ कंपाउंड ऑफ मेटल इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम सी वाटर, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. सी वाटर से सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट. उसी का ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, फॉर्मूला NaCl. 25. Question number 25. Name the salt which was an important symbol in India's struggle for freedom. वो भी यही था, common salt, sodium chloride. वो गांधी जी ने करा था ना, वो क्या salt formation करी थी, नमक बनाया था वो sodium chloride. Question number 26. Name a sodium compound which is used as a cleaning agent for domestic purposes. डोमेस्टिक पर्पसेस में क्लीनिंग एजेंट हो जाएगा वॉशिंग सोडा, क्योंकि उसने सोडियम का कंपाउंड बोला. वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, लेकिन वो सोडियम का कंपाउंड पूछ रहा है. तो सोडियम का कौन सा कंपाउंड क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है? दैट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2. मैंने कहा था ना डिटर्जेंट वगैरह में डलता है ये. क्यों डलता है डिटर्जेंट वगैरह में? टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर, वॉटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के. क्वेश्चन नंबर 31, विच कंपाउंड ऑफ मेटल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स. आई थिंक इसका भी वही होगा, हाँ वॉशिंग सोडा ही है. ड्राई सोप पाउडर्स का जो मिक्सचर है, इसका आंसर भी यही है, वॉशिंग सोडा. वो बोल रहा है 31st क्वेश्चन में, विच कंपाउंड ऑफ मेटल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स. अच्छा बहुत सारे ड्रॉप ड्राई सोप पाउडर्स में कौन सा कंपाउंड होता है? वॉशिंग सोडा. क्वेश्चन नंबर 32, What is the action of litmus on an aqueous solution of ammonium chloride? हाँ जी, ammonium chloride कैसा salt है? Acidic salt है. क्यों? Ammonium hydroxide weak base, HCl strong acid. Acidic salt है तो क्या हो जाएगा?
ब्लू लिटमस विल टर्न रेड. ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है. ये क्वेश्चन नंबर 30 था, नहीं? अच्छा मैम ये 33 था. 33, 32. क्वेश्चन 32 इज नेम द एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ बाथरूम क्लीनर. नोट करो ये मैम. यस मैम, आपने जो क्वेश्चन 16 कराया था. हाँ जी मैम, उसका क्वेश्चन तो शायद कुछ और नहीं था. क्वेश्चन 16? यस मैम. आप तो बड़ी देर बाद बोल रहे हो, अब वो तो रब भी कर दिया मैंने. कई बारी वो मैं आपकी तरफ भी देख रही होती हूँ, करा भी रही होती, तो हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो, 16 करा देती. 32 क्वेश्चन है, नेम द एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ बाथरूम क्लीनर. वैसे तो इतना कोई वो नहीं है, पर ये इसका आंसर है म्यूरियाटिक एसिड. मैम HCl भी हो सकता है. हाँ HCl भी यूज कर सकते हैं, बट वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है उसको. ओके वैसे तो कई एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हनी बी की जो स्टिंग होती है उससे उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हनी बी क्या रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड. हनी बी स्टिंग हैज मिथेनोइक एसिड. हनी बी की जो डंक होता है ना, जब वो डंक मारती है तो वो क्या रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड. वो एसिड है ना, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड वी ट्रीट इट विद बेस. उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं. ठीक है, नोट करो ये. यस नोटेड डाउन. After that, एक question number 16 देख लेते हैं. Question 16 is name two sources of common salt. आपको कॉमन सॉल्ट के सोर्सेस बताने हैं. सी वाटर से ऑब्टेन होता है, रॉक सॉल्ट से ऑब्टेन. कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड फ्रॉम द रॉक सॉल्ट. हाँ अच्छा, अब हिमानी के डाउट्स ले रही हूँ मैं. Just a second. Milkman वाला question भी अभी करा देती हूँ नितिन, दो मिनट वेट करो. Applications of electric current. Applications of heating effect of electric current. देखो ये टॉपिक मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बस मैंने बीच बीच में बता दिया था अलग. एप्लीकेशंस ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने साथ साथ ही बता दिया था, अलग से टॉपिक मेंशन करके नहीं बताया था। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, तो देखो तो आपको पता ही है जो इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट होती है, मैंने आपको बताया था वो टंगस्टन की बनी होती है, ऐसा मटेरियल, ठीक है ना, जो जिसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इट ग्लोज ऑन हीटिंग, है ना। जो बल्ब होता है, जो पहले टाइप वाला ऐसे बल्ब होता था, उसकी यहाँ पर जो एक छोटी सी बहुत ही थिन वायर लगी होती है, जो फिलामेंट होती है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बहुत ही थिन होती है, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड इट्स प्रॉपर्टी, इट हैज द प्रॉपर्टी टू ग्लो ऑन हीटिंग। तो क्या होता है, जब उसमें से करंट पास होता था ना, तो क्या होता है, जैसे ही उसमें से करंट पास होता है, उसको इतना हीटअप हो जाती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी आई है, हीटअप हो जाती है एंड हीटअप होने के बाद इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, उसमें से ग्लो सा निकलने लगता है, और वही ग्लो, वो येलो कलर की लाइट जो हमें बल्ब में दिख रही होती है, वो जो येलो वाला बल्ब होता है वो होती है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इस वजह से ग्लो करती रहती है, हीटअप होती रहती है, लेकिन मेल्ट नहीं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट होती है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड इट ग्लोज ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज हुआ। तो इसमें देखो पूरा लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड फिलामेंट फिटेड ऑन अ ग्लास स्टेम इनसाइड अ ग्लास बल्ब, एक ऐसे ग्लास का बल्ब होता है, उसकी ग्लास स्टेम पर इस तरीके से एक फिलामेंट लगी होती है टंगस्टन की। दिस वायर ऑफ टंगस्टन इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद इनर्ट गैस, और इसके अंदर एक गैस भी फिल होती है, आर्गन या नियॉन गैस फिल होती है। ये आर्गन और नियॉन गैस में से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो ये भी ग्लो करने की प्रॉपर्टी हो रखते हैं। तो बल्ब इज इवैक्यूएटेड विद एंड फिल्ड विद इनर्ट गैस लाइक आर्गन एंड नियॉन, उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है ना, वो इवेपोरेट होगी ना वो ऑक्सीडाइज होगी, मतलब खराब नहीं होगी जो टंगस्टन है। When current passes through filament, it becomes white hot and start emitting light. ठीक है ना? फिर इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसकी वायर तो मेटल की बनी होती है, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो कॉइल होती है अंदर की, वो किसकी बनी होती है, एक ऐसे मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। इन दिस केस कॉइल विच इज मेड फ्लैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम वायर। तो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर, उसकी भी रेजिस्टिविटी हाई है, इट हैज हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा करंट पास होते ही वो हीटअप हो जाए। इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या है, गर्म होना, गर्म होगी तभी तो वो कपड़ों को प्रेस कर पाएगी ना, तो वो गर्म होनी चाहिए, तो इसीलिए इट इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। माइका शीट्स आर यूज्ड इन द कॉइल्स टू प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी विदाउट प्रिवेंटिंग कंडक्शन ऑफ हीट, तो मतलब उसके ऊपर फिर माइका शीट्स लगाई होती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी से तो इंसुलेशन मिल जाए, मतलब हम हाथ लगाएं तो हमें करंट तो ना लगे, लेकिन हीट पास होती रहे, ठीक है ना। उसके ऊपर कॉयल के ऊपर माइका शीट्स लगाई होती हैं, जो कॉयल होती है उसके बाद यहाँ नीचे माइका शीट्स लगाई होती है। माइका एक मटीरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से तो रोके, ताकि अगर हम टच करें या हम कपड़े को टच करें तो हमें करंट ना लगे, लेकिन हीट फ्लो, करंट ना फ्लो हो लेकिन हीट फ्लो होती रहे, ठीक है ना।
as the current is passed due to heating effect, the filament coil gets heated. तीसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज का. वैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बताती हूँ, बट अभी बता देती हूँ थोड़ा सा. ये नोट करो, ये तीनों पेजेस भी मैं भेज देती हूँ फोटो का. हिमानी क्लियर है? I will rub this. Now, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, आपने आजकल तो एक्चुअली फ्यूज होता नहीं, फ्यूज पहले यूज होता था. फ्यूज ना एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है. देखो ये हमारे घर का मेन सर्किट, आपने देखा होगा हमारे घर में एक बाहर की तरफ एक मेन प्लग लगा होता है, एमसीबी टाइप होता है. आजकल तो एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना. पहले इसकी जगह ना एक फ्यूज होता था, एक मेन बटन होता है. फिर हम अगर मान लो हम 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और अगर हम मेन एमसीबी डाउन करके चले जाए तो अंदर कोई भी करंट जा ही नहीं पाएगा. अंदर चाहे कोई स्विच ऑन भी रह गया हो तभी भी उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि हमने मेन स्विच बाहर से ही बंद कर. तो आजकल तो वो एमसीबी होता है ना, पहले उसकी जगह पे वहां पर ना फ्यूज लगा होता था. तो फ्यूज ना ऐसे एक तरह से इस तरीके से मटेरियल से होता था, बहुत ही थिन वायर होती थी यहाँ पर और वो भी एक ऐसे मटेरियल की बनी होती थी जिसकी हाई एक एलॉय होता है, हाई रेजिस्टिविटी हो लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो लो. तो क्या होता है इसकी ना एक लिमिट सेट की होती है. मान लो इस पे लिमिट सेट की है 15 एम्पीयर तक, तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम करंट 15 एम्पीयर फ्लो करेगी. अब बाय चांस मान लो मेन सप्लाई से जैसे ही अगर करंट 15 से ज्यादा फ्लो करेगा, जब तक 15 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तब तक तो इस वायर को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही करंट 15 से एक्सीड करेगा, आपको पता है हीट तो करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के भी और टाइम के भी. तो जैसे ही करंट अगर 15 से एक्सीड करेगा तो यहाँ पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से ऐसे मेल्ट होगी तो सर्किट ब्रेक हो गया. सर्किट ब्रेक हो गया यानी ज्यादा करंट हमारे घर में फ्लो ही नहीं कर पाएगा. ये उसके लिए यूज होता है ओवरलोडिंग वगैरह के लिए कि एक्सेस करंट हमारे घर में फ्लो ना कर पाए. आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है, आग लग जाती है उस वजह से, है ना. तो ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है. एक्चुअली हम इसकी ज्यादा डिटेल्स वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने अभी नहीं कराया था. समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसे मटीरियल का बना होता है, एलॉय का बना होता है, लेड एंड टिन का, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. जैसे ही उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो करता है तो वो वायर मेल्ट हो जाती है ना, और मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक हो जाता है. हाँ आजकल तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑफ हो जाता है लेकिन फिर हम उसको दोबारा ऑन कर सकते हैं. ठीक है, इसको तो फिर फ्यूज ही बदलना पड़ता था, ये फ्यूज खराब हो जाता था फिर मार्केट से जाके न्यू फ्यूज लाकर वो लगाना पड़ता. ठीक है, नोट करेंगे. अब आई थिंक आप तो, अच्छा हाँ एक वो क्वेश्चन भी सॉरी नितिन का एक क्वेश्चन है कि एक मिल्क मैन है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं याद क्वेश्चन की. एक मिल्क मैन है, वो मिल्क जब बेचने जाता है तो उससे पहले ना वो मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा बेस मिला ले. देखो मिल्क की पीएच अगर मान लो 6.5 के आसपास भी है, ठीक है, अगर वो उसमें थोड़ा सा बेस यानी बेकिंग सोडा वगैरह मिला देगा, ऐसा करके वो मिल्क को क्या बना रहा है, थोड़ा सा एल्केलाइन बना रहा है.
क्यों अल्कलाइन बना रहा है? ताकि मिल्क जल्दी खराब ना हो, है ना? क्योंकि नॉर्मली अगर जैसे ही मिल्क की पीएच 6.5 से बिलो चली जाती है तो मिल्क खराब हो जाती है ना। तो अगर वो मिल्क को पहले से ही बेसिक बना दे, पहले से ही उसकी पीएच इंक्रीज कर दे 7 या 8 के आसपास कर दे, तो ऐसा मिल्क गर्मियों में जल्दी खराब नहीं होगा, है ना। तो उसकी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी कि मिल्क खराब हो गया, मिल्क ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा, ज्यादा टाइम तक कर्डलिंग नहीं होगी मिल्क की, खराब मिल्क, ठीक है ना। वाटर तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डाला जाता है ना, वाटर तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डाला जाता है अपना, वो पैसे बढ़ाने के लिए। बट बेकिंग सोडा इसलिए डालते हैं कि मिल्क जल्दी खराब ना हो, कर्ड में जल्दी से इजिली कन्वर्ट ना, ठीक है। लेकिन ऐसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क बेसिक है। कर्ड क्या होती है? एसिडिक। अगर आपको पीएच को 6.5 से 4 या 3 लेकर जाना है तो इजिली चली जाएगी, लेकिन आपने बेकिंग सोडा मिलाकर पहले ही उस मिल्क की पीएच को 8 या 9 कर दिया, 8 या 9 से 3 आने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए ऐसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने में टाइम ज्यादा लगता है। एम आई क्लियर? समझ में आया ये? नितिन, इज इट क्लियर? मैम अगर हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया तो मैम तो ये दोबारा से कर नहीं बन पाएगी, मतलब बन तो पाएगी पर इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी, टाइम ज्यादा लेगी कर्ड में सेट हो, कर्ड में कन्वर्ट होने। Okay. जैसे नॉर्मली 4-5 घंटे में अगर कन्वर्ट होती है तो इसको 6-7 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन असाइनमेंट का 1-2 क्वेश्चन और आए हैं फिर से। वॉटर मिक्स करते हैं बेटा, वो तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ज्यादा दूध बन जाएगा। असाइनमेंट का क्वेश्चन 18 है, name two metals that react with base to produce hydrogen gas. दो metals जो base के साथ भी hydrogen gas release करते हैं, हमने पढ़ा था ना, sodium zinc plus sodium hydroxide forms sodium zincate plus H2, aluminium प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये दो मेटल्स है जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जयंत, आपके डाउट्स हो गए? सबके डाउट्स डिस्कस हो गए? एक एक दो दो डाउट्स हो गए डिस्कस जिन्होंने पूछे थे? कुछ ऐसे भी है जिन्होंने पूछे? इसी का ही क्वेश्चन 38। हाँ तो बस, नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा तो था कि बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। हाँ, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में वही सारे कंपाउंड्स है जो 6-7 कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 8 इज, What is the oxide of a metal called? अरे, metal की oxide को क्या बोलते हैं? Metal oxide. Metal oxide. And इनका nature कैसा होता है? Base. Oxide of metal are called metal oxide and their nature is basic. 38th question है, What is the nature of salt which dissolves in water to produce a solution which turns blue litmus to red? देखो वो कह रहा है कि एक salt है, उस सॉल्ट को जब हमने वाटर में मिक्स करा, ठीक है, एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, वो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, तो यानी वो सॉल्यूशन तो वो एसिडिक होएगा ना, यानी वो सॉल्ट कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है, कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट, ठीक है।
बेटा आज की क्लास में यहीं पर ही एंड करती हूँ। आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर दो तीन डाउट भी आते हो और छोटे छोटे डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, कल परसों आज रात को जब मुझे मौका लगेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट्स, आगे के डाउट्स, ठीक है आजू? और असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास से पहले पहले असाइनमेंट सबके कंप्लीट होने चाहिए, पिछले होमवर्क अगला होमवर्क सारे होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए सबके। जो असाइनमेंट है ऐप पर चेक करो, आज मैंने दो असाइनमेंट अपलोड करे हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए सबके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। टेस्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ओरल एंड रिटन दोनों ही हो, ठीक है? आई एंड दिस सेशन नाउ।